नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज हम करेंगे होंडा इमेज के अंदर रिमोट की मैचिंग। ये हमने एक्सरोस का रिमोट बनाया है। ये कभी कभी क्या होता है, ये रिमोट हमारा प्रोग्राम करते हैं, हम डायरेक्टली प्रोग्राम नहीं होता, तो अगर हमारे पास जेन्युइन रिमोट है, अगर वो वर्किंग में है, तो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। इसके अंदर रिमोट में लाइट जल रही है, लेकिन दरवाजे हमारे सारे क्लोज है, लेकिन हमारा रिमोट, अब इसको मैच कैसे करेंगे मैं दिखाता हूँ। अगर आपके पास जेन्युइन रिमोट है, अगर आप इसको डायरेक्ट मैच करते हो, कभी कभार ये होता नहीं है, तो किस वजह से नहीं होता, अगर आपके पास जेन्युइन रिमोट है, तो आप इग्निशन ऑन, लॉक का बटन प्रेस, ऑफ करके ऑन, लॉक का बटन प्रेस, ऑफ करके ऑन, लॉक का बटन प्रेस, ऑफ करके ऑन, लॉक का बटन प्रेस, दोनों में से आवाज़ आएगी, फिर अनलॉक का बटन दबाना है। फिर जो रिमोट हमारे को नया बनाना है, उसका भी सिर्फ अनलॉक का बटन दबाना है। ये हमारा रिमोट मैच हो गया। इस तरीके से दोस्तों आप आराम से आप मैच कर सकते हो। सिर्फ प्रोग्रामिंग उसको करनी है, इसका सिर्फ अनलॉक का बटन दबाना है, तो आपका रिमोट मैच हो जाएगा। अभी आपका रिमोट काम कर रहा है। अगर इसको आउट भी करना है, जैसे आपको कोई रिमोट बनाया है, अगर कस्टमर कहे हमारे को भी नहीं चाहिए, तो आप इग्निशन ऑन, अनलॉक का बटन दबाइए, ऑफ करके ऑन, अनलॉक का बटन दबाइए, ऑफ करके ऑन, अनलॉक का बटन दबाइए, ऑफ करके ऑन, अनलॉक का बटन दबाइए, दोनों में से आ जाएगी। उसके बाद हमारे जो भी रिमोट है, ये भी बंद हो गया, ये भी काम नहीं कर रहा, और ये हमने बनाया, ये भी काम नहीं करा। रिमोट में लाइट जल रही है, ये हमारी प्रोग्रामिंग आउट हो जाएगी। चार बार ऑन ऑफ करने पर अनलॉक का बटन दबाना है। दोबारा मैच करना है, तो हम वही लॉक का बटन प्रेस, सेकंड बार भी लॉक का बटन प्रेस, थर्ड बार भी लॉक का बटन प्रेस, फोर्थ टाइम प्रेस, अनलॉक का बटन प्रेस, इस रिमोट का भी अनलॉक का बटन प्रेस। अब हमारे दोनों रिमोट वर्किंग में आ गए। इस तरीके से दोस्तों आप होंडा इमेज में रिमोट प्रोग्राम कर सकते हो। कभी कभार नहीं होता, तो आप इस तरीके से करिए। ठीक है, जय हिंद दोस्तों।